नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें देखिए कुछ कुछ चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कंसिडर करेंगे। पहले तो ये है कि हम 100 ग्राम कंपाउंड जो है वो एज्यूम कर लें, ठीक है? तो इन 100 ग्राम ऑक्साइड ऑफ आयरन आयरन कितना हो जाएगा भाई? 69.9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मोल आयरन निकाल सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। मोल आयरन कितना हो जाएगा यहाँ पे? गिवन मास 69.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 55.85। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मोल एफी हमारे पास आ गए हैं 1.25। ठीक है, ये तो आयरन के लिए हमने ट्रीट किया। अब हम करेंगे फॉर ऑक्सीजन। अब इन्होंने तो O2 बोला हुआ है, डाई ऑक्सीजन है। 30%, 30.1% क्या है? डाई ऑक्सीजन बाय मास है। ठीक है, अगर 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास है तो ऑब्वियसली 30.1% ही एटॉमिक ऑक्सीजन ही भी बाय मास होगा, क्योंकि जब भी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कंसिडर करेंगे तो उसमें क्या होगा, यू आर गोइंग टू टेक द मोल रेशियोज ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स। ठीक है भाई, तो ये O2 इन्होंने लिख दिया है फॉर O2, तो एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज 30.1% O। मास परसेंट क्या है भाई? ठीक है, मास परसेंट क्या होगा, जो O2 का होगा वही O का होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके हिसाब से 100 ग्राम में 30.1 ग्राम O है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे, मोल ओ निकाल लेंगे। मोल ओ कितना हो जाएगा? 30.1। ठीक है भाई, सबको पता है। और हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से, विच हैपेंस टू बी 16। और ये हमारे पास जो आएगा, दिस टर्न्स आउट टू बी नंबर 1.88। ठीक है भाई, तो अब उसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशियोज अगर कंसिडर करें, ठीक है, एफ ई इज टू ओ। एफ ई कितना था? 1.25 था। ओ क्या है? 1.88 है। हम इसे स्मॉल स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा 1। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी वो दैट विल बी 1.5। फिर से 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Fe2O3। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में है, 1.5 है, तो हम इसे फ्रैक्शन में नहीं रहने देंगे। ऑलराइट, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि फॉर O2 इन्होंने बोल रखा है 30.1%, तो ये नहीं है कि 30.1 ग्राम को आप 32 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, ये है इसमें क्रक्स पॉइंट, क्योंकि जब भी आप कंसिडर करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आप हमेशा क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू कंसिडर द मोलर मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, फिर से चाहे आप परसेंटेज बाय मास O2 बोलें या परसेंटेज बाय मास O बोलें, एक सब्सटेंस में वही रहेगा।